हेलो गाइस, मैं हूं अदनान। आप देख रहे हो टेकाट्रॉनिक। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे डिस्टेंस मेजरमेंट विद एलसीडी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी चीज क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लोग टिंकर गाइड ओपन करके यहाँ पास प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, डिस्टेंस मेजरमेंट विद एलसीडी। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सर्च करेंगे आर्डिनो यूएनओ। आर्डिनो यूएनओ R3, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पास। इसके बाद यहाँ सर्च करेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर। 4 पिन वाला अल्ट्रासोनिक सेंसर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पास। अब इसके बाद हम लोग एक एलसीडी लेंगे, इसके लिए ब्रेडबोर्ड सर्च करेंगे। ब्रेडबोर्ड, स्मॉल ब्रेडबोर्ड यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अब 16x2 एलसीडी लेंगे। एलसीडी यह 16x2 एलसीडी। 16 अपर साइड अल्फाबेट है, 16 लोअर साइड अल्फाबेट है। 16 अपर अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, 16 ब्लॉक्स ऊपर है, 16 ब्लॉक नीचे है। अब हम लोग कनेक्ट करते हैं सर्किट। सबसे पहले हम लोग ब्रेडबोर्ड में VCC ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं, इससे हमें सर्किट बनाने में आसानी हो। तो आर्डिनो के 5 वोल्ट को हम लोग ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट करते हैं। हमने आर्डिनो के 5 वोल्ट को ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट कर दिया। वायर में कलर करने के लिए सिंपल वायर पे क्लिक करके इस ब्लॉक को ओपन करके यहां से रेड कर देंगे। अब ये ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे ब्रेडबोर्ड के। हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, फिर से इसके कलर चेंज कर देंगे, ये हमने ब्लैक कर दिया। अब हम लोग ब्रेडबोर्ड एलसीडी को कनेक्ट करेंगे। देखिए एलसीडी में ग्राउंड पिन VCC पिन को हम लोग ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, VCC पिन को VCC से कनेक्ट कर देंगे, उसका वायर रेड कर देंगे वायरिंग। अब देखिए V0 पिन हम लोग पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट करेंगे। तो एक पोटेंशियोमीटर और एक रेजिस्टेंस भी सर्च कर लेंगे। ये एक पोटेंशियोमीटर लेते हैं और एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं। पोटेंशियोमीटर की देखिए एक टर्मिनल और सेकेंड टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल में कोई भी VCC या कोई भी ग्राउंड कनेक्ट कर सकते हैं। इसे हमने इसको ग्राउंड में कनेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ब्लैक कर देंगे और इसको VCC से कनेक्ट कर देते हैं। इसको VCC से करने के लिए रेड करेंगे, इसको ब्लैक कर देते हैं। आप किसी भी पिन को कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, VCC या ग्राउंड। और इसकी मिडिल पिन जो है वो V0 पिन से कनेक्ट होगी, LCD के V0 पिन से। हमने LCD के V0 पिन से कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग LCD को Arduino से कनेक्ट करेंगे। LCD पिन को RW पिन, RS पिन को कनेक्ट करेंगे Arduino की 10 पिन से। ये 10 पिन से हमने कनेक्ट कर दिया है। इसकी वायरिंग भी चेंज करते हैं ग्रे। और ये RW पिन हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे Arduino के। ये ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से ई पिन कनेक्ट करना है हमें Arduino की 9 पिन से। 9 पिन से ये पिन करते हैं। अब देखिए D0, D1, D2 एंड D3, ये 4 पिन हम लोग नहीं कनेक्ट करेंगे। और D4 से अब कनेक्ट करते हैं। D4 हमारी 8 पिन से कनेक्ट करते हैं। यहां से D5 7 पिन पे कनेक्ट करते हैं Arduino की। D6 पिन 6 पिन से कनेक्ट कर देंगे। और लास्ट पिन है D7 पिन कनेक्ट करेंगे Arduino के 5 पिन से। फाइव पिन से
अब देखिए दो पिन बची है, एलईडी एनोड एंड एलईडी कैथोड। रेजिस्टेंस दोनों में से किसी पिन में भी हमें कनेक्ट करना है। जैसे हमने एलईडी कैथोड पर कनेक्ट कर दिया, इसकी वैल्यू चेंज करेंगे 330 ओम, और सेकेंड पिन रेजिस्टेंस की ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, और फिर एलईडी एनोड पिन को वीसीसी से कनेक्ट कर देंगे। अब हम लोग एलसीडी हमने कनेक्ट कर दिया है, अब अल्ट्रासोनिक सेंसर कनेक्ट करेंगे। देखिए अल्ट्रासोनिक सेंसर की पावर पिन है, जो पावर पिन हम लोग वीसीसी से कनेक्ट करेंगे, तो इसको हम लोग ब्रेडबोर्ड पे सिंपल कनेक्ट करते हैं। ये हमने वीसीसी से कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से एक ग्राउंड पिन है, तो ग्राउंड पिन को हम लोग ब्रेडबोर्ड की ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देंगे, और इसकी वायर चेंज कर देते हैं ब्लैक। अब देखिए यहाँ पर दो पिन है, इको एंड ट्रिक। ट्रिक पिन हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो की 12 पिन से, आर्डिनो की 12 पिन से कनेक्ट कर देते हैं इको ट्रिक पिन। हमने ट्रिक पिन आर्डिनो की 12 पिन से कनेक्ट किया और कलर चेंज कर देंगे येलो, और इको पिन हम कनेक्ट कर रहे हैं आर्डिनो की 11 पिन से। ये हमने इसका भी कलर चेंज कर दिया। ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई है, पूरी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग कोड सेक्शन में चलते हैं, क्लिक करते हैं कोड पे और इस कोड को डिलीट करते हैं। सबसे पहले हम कोड देख लेते हैं, कोड को ओपन करते हैं। ये हमारा कोड है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एलसीडी की लाइब्रेरी डिफाइन किया है, फिर एलसीडी की ये पिन डिफाइन है हमारी, और ट्रिक पिन हमने 12 पे कनेक्ट किया तो यहाँ डिफाइन किया है, और इको पिन 11 में। टाइम और डिस्टेंस वेरिएबल लिया है जो फ्लोट में लिया है हमने, और यहाँ देखिए 16.2 एलसीडी यूज किया है। फिर हम लोग ट्रिक आउटपुट कर दिया है, फिर यहाँ लास्ट में देखिए टाइम प्लस इको हाई, और डिस्टेंस की जो भी टाइम वैल्यू जो आएगी वो टाइम में स्टोर होगी, उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे 0.043/2 से। अब देखिए जो भी वो अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू डिस्टेंस में स्टोर होगी, तो हम लोग ने सीरियल डॉट प्रिंट डिस्टेंस सेंटीमीटर करके, अगर हमने कॉमा लगा दिया तो एज इट इज शो होगा, अगर कॉमा नहीं लगाया तो उसकी वैल्यू शो होगी। देखिए यहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाया है, तो डिस्टेंस की वैल्यू जो वैल्यू आ रही है अल्ट्रासोनिक की, वो उस पर शो होगी। इसी तरीके देखिए एलसीडी में हमने फर्स्ट में क्या लिखा है, एलसीडी डॉट सेंटीमीटर, ये रो होता है ये कॉलम होता है। रो के ब्लॉक होते हैं 0 to 15, कॉलम के 1 and 2, अप एंड डाउन। इसीलिए हम लोग यहाँ डिफाइन किया डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, फिर एलसीडी डॉट सेट कर सर 0.1 मतलब डाउनवर्ड, 0.1 मीन्स होता है नीचे साइड, रो 1 रो 0 कॉलम 1, और फिर एलसीडी प्रिंट होगा। इस कोड को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ब्लॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, टेक्स्ट में क्लिक करिए, फिर कंटिन्यू, फिर यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ये हमने कोड को पेस्ट कर दिया है, ये हमारा पूरा फुल कोड है। कोड हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्टार्ट सिमुलेट करेंगे, देखिए एलसीडी की वैल्यू प्रिंट हो रही है। अगर एलसीडी पे कोई भी चीज प्रिंट ना हो तो आप सिंपली पोटेंशियोमीटर को रोटेट करेंगे, कहीं कहीं भी पोटेंशियोमीटर की वजह से प्रिंट नहीं हो रहा होगा तो आपका आ जाएगा। अगर पोटेंशियोमीटर इस साइड रहेगा तो आपका प्रिंट नहीं होगा, पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू हम देख लेते हैं, इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर पे क्लिक करिए, ऑब्स्टिकल आएगा, जैसे जैसे ऑब्स्टिकल करीब आएगा देखिए वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ऑब्स्टिकल अल्ट्रासोनिक सेंसर से दूर जाएगा वैल्यू इंक्रीज कर रही है, आप देख सकते हैं पूरी चीज। जैसे जैसे ऑब्स्टिकल दूर जाएगा वैल्यू इंक्रीज करेगी, करीब आएगा वैल्यू डिक्रीज करेगी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोड हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड करके आप पेस्ट कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे।
गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड।